कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ये दो स्पेशल मेंबर फंक्शन है, जिसमें कंस्ट्रक्टर का काम है इनिशियलाइज करना और डिस्ट्रक्टर का काम है डिस्ट्रॉय करना। अब डिस्ट्रॉय किसको करेंगे और इनिशियलाइज किसको करेंगे, तो C++ में जैसे हमको पता है कि ऑब्जेक्ट्स पर ही सब काम होता है, क्योंकि ये है ही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स का काम रहता है कि वो इनिशियलाइज करे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और डिस्ट्रक्टर का काम होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट का काम एंड हो चुका है तो एंड में उसे डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि मेमोरी हमारी फ्री हो जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर के फोर टाइप्स है, एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक है कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने क्रिएट किया है। एक मेन फंक्शन है, ठीक है, कभी भी प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही शुरू होगा। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, माई क्लास नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो यहाँ पर ये जो माई क्लास नाम का कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें सबसे पहले ये कॉल हुआ। जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर मैं ये नई भी लिखूँगा ना यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, तो भी ये कॉल होता है, ठीक है। अब ये बात हमें क्लियर हो चुकी है, जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसे ही हम कहेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मैंने यहाँ पे उसे प्रिंट किया है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में मैंने कुछ भी प्रिंट फंक्शन या सी आउट फंक्शन कॉल नहीं किया है, फिर भी हमारा आउटपुट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल क्रिएट हो रहा है। कैसे? क्योंकि ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होती है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का बेसिक काम। वैसे ही जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, वैसे ही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का वर्क क्या होता है देखेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माय क्लास का, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किए, एक 10 और एक 20, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, जब भी हम ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे जिसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे, बेसिकली इसका मतलब ये है हम इसमें पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू पास की 10 और वैल्यू 2 हमारी आ गई 20, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू 1 हमारी यहाँ पर 10 हो गई और वैल्यू 2 हमारी यहाँ पर 20 हो गई, ठीक है। अब वैल्यू 1 जैसे ही मेंबर फंक्शन मेंबर 1 वेरिएबल में स्टोर किया हमने, तो वो हो गई 10 और मेंबर 2 में हमने 10 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल्स है मेंबर 1 और मेंबर 2, ये हमने प्राइवेट वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, किसमें, इस क्लास में। अब इस क्लास में हमने एक और चीज़ की है, जो है void display नाम की मेथड हमने यहाँ पे यूज़ की है, जिसके अंदर हम मेंबर 1 और मेंबर 2 का जो आउटपुट है वो प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजी नाम से, और उसमें हमने दो पैरामीटर्स पास किए 10 और 20, ठीक है। फिर हमने कॉल किया उस क्लास उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले मेथड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कॉल करने पे हमें ये मेथड कॉल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले मेथड में हम प्रिंट कर रहे हैं मेंबर 1, और मेंबर 1 की वैल्यू हमने जब पैरामीटर कॉल किया था ना तो वहीं पर ही इनिशियलाइज कर दी थी, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 10, और सेकेंड आउटपुट आएगा 20। तो इस तरीके से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया था ना यहाँ पे, विदाउट एनी पैरामीटर्स, कुछ भी यहाँ पे पास नहीं किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 0 पैरामीटर्स है, नो पैरामीटर्स। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा
कंस्ट्रक्टर को स्पेशल मेंबर फंक्शन इन C++ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसका नेम रहता है ना कंस्ट्रक्टर का, वही क्लास का नेम भी रहना कंपलसरी है, अदरवाइज इट विल प्रिंट एन एरर। तो नेम हमें हमेशा सेम रखने हैं दोनों कंस्ट्रक्टर और क्लास के, ठीक है, ये एक पॉइंट हमने नोट किया, इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर को स्पेशल मेंबर फंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी सेम कॉन्सेप्ट है, नेम जो है कंस्ट्रक्टर का वो सेम ही होना चाहिए, ठीक है, क्लास नेम से, और फिर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज पास कर सकते हैं। ये हुआ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब कॉन्सेप्ट आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C++। कॉपी कंस्ट्रक्टर, जैसे ही आप नाम नेम में ही वो इंडिकेट कर रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, कि एक कंस्ट्रक्टर जो दूसरे कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ को कॉपी करेगा, राइट। अब इसे परफॉर्म करने के लिए C++ में कैसे हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले मेन फंक्शन में हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ OBG1 हमने इसे नाम दिया, तो हमारा जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो हमने कॉल किया, ठीक है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 हमने पास किया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 10 और यहाँ पे आ गया हमारा 20, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ है, वैल्यू 1 ये हमने हमारे जो प्राइवेट वेरिएबल्स थे मेंबर 1 और मेंबर 2 को असाइन कर दिया इस कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया सेम क्लास का। इसमें क्या किया हमने, हमने पैरामीटर्स पास नहीं किए डायरेक्टली, हमने एक कंस्ट्रक्टर इसमें असाइन कर दिया, इसको कॉपी कर दिया, जो भी ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज़ थी ना वो हमने ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी कर दी। तो अब जब भी हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का, तो एक ना एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इस केस में अब वैल्यूज़ तो हमने पास नहीं की, तो हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने एक एड्रेस पास किया। अगर आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस केस में आपको ये आइडिया होगा कि वैल्यूज़ जब भी कॉपी होती है मेमोरी में तो ब्लॉक्स में होती है, राइट। वो ब्लॉक्स की जो मेमोरी असाइन होगी वो होगी थ्रू एड्रेसेस। सो टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर, ये जो सेकेंड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे असाइन, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे हम एड्रेस के थ्रू लेंगे, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में हमें पता है ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे असाइन किया है बाय डिफ़ॉल्ट। इन सिंपल वर्ड्स, जो भी ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज़ है वो इस ऑब्जेक्ट 1 में तो आ ही जाएगी, राइट। अब हम अज्यूम करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में मेंबर 1 है जो हमने यहाँ पे असाइन किया था, और ऑब्जेक्ट 2 में मेंबर 2 है, ठीक है, और वो वैल्यूज़ हमने फिर से असाइन की मेंबर 1 मेंबर 2 को, और सेकेंड ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट 2 है उसकी डिस्प्ले मेथड कॉल किया, तो हमें आउटपुट में ये फाइनल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर का आउटपुट प्रिंट किया 10 और 20। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, ये एक टेक्निक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक टेक्निक है C++ में, जिसमें आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स फॉर अ क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और हर कंस्ट्रक्टर के पास डिफरेंट पैरामीटर्स रह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या, पहले वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने मेन मेथड कॉल किया, मेन मेथड में हमने पहले एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया विदाउट एनी पैरामीटर। जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हुआ, और यहाँ पे हमने मेंबर्स को जो प्राइवेट वेरिएबल्स थे यहाँ पे हमारे, उसको वैल्यू असाइन किया 00, ठीक है। फिर हमने एक सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने पैरामीटर पास किया, तो ये इसने कॉल किया इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। इसमें हमने मेंबर 1 की वैल्यू भी चेंज कर दी और मेंबर 2 की भी वैल्यू चेंज कर दी। अब मेंबर 1 की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 00 थी, अब यहाँ पे हमने 10 पास किया, तो मेंबर 2 और मेंबर 1 दोनों की वैल्यू हो गई 10। फिर ऑब्जेक्ट 3 हमने पास किया जिसमें हमने दो पैरामीटर्स पास किए, तो उस केस में ये थर्ड
कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 और 20 हमने पास किया, तो मेंबर 1 की वैल्यू 10 हो गई और मेंबर 2 की वैल्यू यहाँ पे 20 हो गई, और एंड में हमने तीनों को प्रिंट किया। तो जब हमने ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया, मतलब इस वेरिएबल को हमने, मतलब इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्ले मेथड कॉल किया, तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आप देखेंगे ऑब्जेक्ट 1 की 00 प्रिंट हुई, और सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट 2 है, इसकी वैल्यू हुई 10 और 10 जो हमने लिखा था, और ऑब्जेक्ट 3 की वैल्यू प्रिंट हुई 10 और 20। तो इस तरीके से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअल वैल्यू हम असाइन करके चीज़ों को रन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने कंस्ट्रक्टर्स के 4 टाइप्स देखे, जो थे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर्स पास किए, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब आता है कॉन्सेप्ट डिस्ट्रक्टर्स का। डिस्ट्रक्टर का काम क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया, एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इससे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और जब ये प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है, ये कर्सर यहाँ पे आ गया, तो उस केस में ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है, इसको कॉल नहीं करना पड़ता है। और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि कंस्ट्रक्टर में हम जो नेम यूज़ करते हैं वो सेम रहता है, ठीक है, पर यहाँ पे एक आप टिल्ड सिंबल देख रहे हैं, राइट, तो इस ये डिनोट करता है डिस्ट्रक्टर को, जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, राइट, तो मेमोरी में एक कुछ तो स्पेस अलोकेट हुई किसी के लिए, सपोज़ वेरिएबल ए के लिए। फिर जैसे ही ये डिस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, तो ये जो वेरिएबल के लिए मेमोरी असाइन की थी ये फ्री हो जाती है, और इसको करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ हमें यहाँ पे डिक्लेयर कर देना पड़ता है जो भी हमें वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे तो 2 मेथड्स कॉल हुई, एक कंस्ट्रक्टर कॉल और एक डिस्ट्रक्टर कॉल। आपको ये रीड करना है आर्टिकल, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करी है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत क्लियरली एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन किया है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल, ठीक है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, उसके पूरे टाइप्स, और जो भी क्वेश्चंस आते हैं लोगों को वो सारे यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दी है, और C++ के ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस YouTube चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।